राजधानी देहरादून में 10 मई से उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का आगाज हो चुका है, लेकिन चार धाम यात्रा की शुरुआत से ही विपक्ष लगातार यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर सवाल उठाता आ रहा है। इसके तहत ही एक बार फिर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार की तैयारियों पर निशाना साधा है। बता दें कि गणेश गोदियाल ने कहा है कि चार धाम यात्राओं के संबंध में सरकार के दावे बिल्कुल खोखले हैं। स्थिति ऐसी आ गई है कि सरकार को धारा 144 लगानी पड़ी, जो कि चार धाम के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि सरकार की कोई नीति और सोच नहीं है, यात्रा अच्छी चल सके इसके लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है। इसके आगे उन्होंने कहा कि अगर सरकार को महसूस होता है कि उनके पास आइडिया वाले लोग नहीं है तो विपक्ष को साथ लेकर सर्वदलीय बैठक बुला सकती है। सरकार की चार धाम की यात्राओं के संबंध में, व्यवस्थाओं के संबंध में जो सरकार के दावे हैं वो बिल्कुल पूरी तरह से खोखले हैं। ये स्थिति ऐसी आ गई कि स्वयं सरकार को 144 धारा लगानी पड़ी, और मैं समझता हूँ कि आज तक जब से चार धाम यात्रा का इतिहास है तब से ऐसा कोई भी मौका नहीं आया होगा कि धारा 144 लगानी पड़ी। तो सरकार की हर जगह पर सरकार की स्थिति, सरकार अब मैंने सुना है कि आज की डेट में अगले 10 तारीख तक के लिए ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है उसको बंद कर दिया गया है। सरकार के पास कोई नीति नहीं है। 10 तारीख तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करने का अर्थ ये है कि क्या जो यात्री आज उत्तराखंड में पहुंचा है वो 10 तारीख तक यहाँ रहेगा? सरकार इससे क्या आश्वस्त है? और अगर नहीं रहेगा तो जो हमारे होटल वाले हैं, जो टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, जो पर्यटन के व्यवसाय में लगे हुए हैं, तीर्थाटन के व्यवसाय में जो लोग लगे हुए हैं, घोड़े वाले, खच्चर वाले, डोली वाले, पालकी वाले, चाय वाले, तमाम जो लोग इस व्यवसाय में लगे हुए हैं, अगर 10 तारीख तक कोई यात्री फिर यहाँ दोबारा आएगा ही नहीं, सरकार इस तरह का अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस तरह बंद ही कर देगी 10 तारीख तक, तो उनके जो साल भर के अपने साल भर का उसी में सब व्यवस्था करते हैं, उसी में उनकी उम्मीद होती है कि इस यात्रा से हम लोग करेंगे, उनके बारे में सरकार क्या सोच रही है? तो सरकार की असल में कोई नीति है ही नहीं, सरकार के पास कोई सोच है ही नहीं। सरकार यात्रा अच्छी चल सके, पूरे 4 महीने 5 महीने जब तक दिवाली तक, जब तक ये यात्रा चलती है तब तक बदस्तूर ये यात्रा चलती रही, ये करने के लिए सरकार के पास कोई प्लान नहीं है।